जब पढ़ती थी और जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी तो हमेशा ये बात सोचती थी कि तालीम का जो हाईएस्ट लेवल है वो इंसान को तब अचीव होता है जब इंसान खुद से कोई अमल कर रहा होता है, वो जिस भी लेवल का अमल हो। मैं अल्लाह ताला की किताब के बारे में सोचती थी कि लोग इस किताब से लाबल्द हैं, लोग इस किताब से वो ताल्लुक नहीं रखते और इस ताल्लुक को लोग बोझ भी महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें कुरान मजीद से मोहब्बत है, वो मोहब्बत का इजहार भी करना चाहते हैं, लेकिन एक खौफ उनके रास्ते की रुकावट बन जाता। इस रुकावट को दूर करने के लिए मैंने सालों साल सोचा, अल्लाह ताला से दुआएं भी की। कभी हमने सोचा कि लोग महज तिलावत सुन लें, तो मैंने देखा कि लोग तिलावत सुनने को भी कंटिन्यू नहीं रखते। तिलावत करना तो दूर की बात है। जब हमने ये देखा कि लोग बहुत बड़ी तादाद में तर्जमा करना या तफसीर करना अपनी जिम्मेदारी ख्याल नहीं करते, और बहुत कम तादाद है जो अल्लाह ताला की किताब से वाकई फ़ायदा हासिल करती, तो मुझे उन मोहब्बत करने वालों की महरूमी बहुत तड़पाती थी कि वो मोहब्बत करते हैं लेकिन खौफ की वजह से करीब नहीं आ पाते। फिर अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये ख्याल डाला कि क्यों ना कुरान मजीद को पढ़ने, उस पर अमल करने और उसकी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने से निकाल कर उन्हें महज मोहब्बत की एक फीलिंग के साथ कुरान मजीद का सफ़र करने का मौका दिया जाए। तो मैंने महसूस किया कि टच, आप जानते हैं कि इंसान के लिए मोहब्बत में टच करने की क्या वैल्यू है। अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले जब अल्लाह ताला के कलाम को टच करते हैं उनके दिल की कैफियत बदल जाती है। जब कोई अल्लाह ताला के कलाम को लिखता है, लिखते हुए जब उसे पता है कि मेरी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो बैरियर हट गए, अब वो टच करने से एक ताल्लुक फील करने लग जाता है। और कलामुल्ला को लिखते लिखते आहिस्ता आहिस्ता उसका एक रिलेशन जुड़ने लगता है, उसे मोहब्बत हो जाती है। कितने ही लोग मैंने देखे हैं जो कुरान मजीद को लिखना शुरू करते हैं तो लिखते लिखते उनका शौक इतना बढ़ता है कि वो दिन में रात में उठते बैठते सोते जागते इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो यूं यानी कोशिश की कि बैरियर हटा दें और अल्लाह ताला ने मौका दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वल कलम के हवाले से जब काम किया तो हमें फील हुआ कि पहले पहले हम इब्तिदा में लोगों से ये कहते थे कि अपने हाथ से देख के लिख लें, लेकिन लोग बहुत मशक्क़त में आते थे। फिर हमने इसको लाइट कलर में प्रिंट करवा लिया ताकि ये मशक्क़त भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि फियर इस बात का भी रहता है, नुक्ता ऊपर नीचे हो गया, जेर जबर की गलती हो गई, फिर क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ये बैरियर भी हट गया। अब लोग खुशी खुशी कुरान मजीद को लिखते हैं और अल्लाह ताला के यहाँ अपनी तरफ से
एक माजरत पेश करने के लिए, कलाम से ताल्लुक जाहिर करने के लिए अजर की उम्मीद भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं ये देखती हूँ कि वल कलम की वजह से, यानी कुरान मजीद के इस नुस्खे की वजह से लोगों के अंदर एक तब्दीली आती है, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस। वो चाहते हैं हम जानें इसमें क्या कहा गया, क्या बात है। और आहिस्ता आहिस्ता कितने ही लोग हैं जो कलम से लिखते लिखते, आंखों से देख के, कानों से सुन के, पढ़ के, अच्छे तरीके से याद करके उस कलाम के साथ हकीकी ताल्लुक कायम कर लेते। कितने ही लोग हैं जो बलकलम लिखने के बाद तर्जमा और तफसीर भी करने लग जाते हैं, कुरान मजीद पर गौर फिक्र करने के काबिल होते हैं और कुरान मजीद पर अमल करने के काबिल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सजेशन मैंने बाकायदा तौर पर तो सब लोगों के सामने उस वक्त रखी थी जब मैं दावत अल्लाह का एक कोर्स पढ़ा रही थी, लेकिन उससे तकरीबन कोई 15 साल पहले से हम मुसलसल लोगों को अल्लाह ताला की किताब से इस अंदाज में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसका एहसान है, यकीनन बहुत बड़ा एहसान है। मैं इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि उसने हमें मौका दिया। ये उसका दिया हुआ रिस्क है, अल्लाह ताला इसको और बरकत अता फरमाए और इसे कबूल कर ले और हशर के मैदान में हमारी नजात का जरिया बना दे। आमीन सुम्मा।